हुआ भारत बंद जीएसटी को लेकर है विवाद। भारत में आज यानी 26 फरवरी को भारत बंद किया गया है। देश के करीब 8 करोड़ छोटे दुकानदारों के संगठन GAIT ने और भारत की ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनी AITWA ने ये बंदी की है। इन दोनों संगठनों का सरकार से मांग है कि देश में बढ़ रहे पेट्रोल के भाव से और भारी जीएसटी से उनका नुकसान हो रहा है। इन दोनों संगठनों की मांग है कि भारत में जीएसटी में बदलाव किए जाए। देश भर में खुदरा बाजार वाले अमेज़न जैसी कंपनी के बढ़ते चैन से नाराज़ हैं और साथ ही ईवे बिल में आने वाली समस्या से भी नाराज़ हैं। इसी कारणवश CAIT और AITWA ने मिलकर आज भारत बंद किया है। इसी के साथ AITWA ने कहा है कि वो आज चक्का जाम कर देंगे। बता दें कि चक्का जाम के कारण ट्रांसपोर्ट के साथ लोगों की आवाजाही में दिक्कत हो सकती है। ट्रांसपोर्ट में आज भी कोई माल लोड की जाती है तो उसका ईबे बिल भी साथ में तैयार किया जाता है और वो बिल एक दिन और 200 किलोमीटर के लिए ही मान्य रहता है, तो इससे ट्रांसपोर्ट वालों को काफ़ी दिक्कत होती है। दोनों संगठनों की मांग है कि जल्द से जल्द GST में बदलाव किए जाए, नहीं तो वो इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। बता दें कि पिछले 22 दिसंबर को बने GST कानून में सरकार ने पहले ही लोगों को बहुत छूट दे दी थी। अब इसमें बदलाव की मांग पर सरकार सोच रही है। धन्यवाद।